आसिफ खान ने राजस्थान की कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, झटके 3 विकेट। तो ओपनिंग ना चलने पर राजस्थान की पूरी टीम 20 ओवर खेलने में नाकाम रही। जी हां दोस्तों, आईपीएल के 48वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान के इस फैसले को गलत साबित कर दिया। राजस्थान के बड़े बड़े नामी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। राजस्थान के टॉप 3 बल्लेबाज महज 52 रन ही जोड़ सके, जिसमें कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। राजस्थान के टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर भी बुरी तरीके से फेल हो गया। आर्टिकल ने 12, हिटमायर ने 7 और ध्रुव जुएल ने 9 रन बनाकर अपना विकेट गवा दिए, जिसके बाद राजस्थान की पूरी टीम 18 ओवर में 118 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। 119 रन बनाने उतरी गुजरात की शुरुआत लाजवाब रही। गुजरात के सलामी बल्लेबाज सुमन गिल और रिद्धिमान शाह ने शानदार शुरुआत करते हुए पावर प्ले में बिना विकेट गवाए 49 रन बोर्ड पर लगा दिए। शाह और गिल की बल्लेबाजी ने गुजरात की जीत को निश्चित कर दिया। दोनों ने मिलकर गुजरात का स्कोर 8 ओवर में बिना विकेट गवाए 61 रन तक कर दिया, जिसके बाद चहल के 10वें ओवर में अपना विकेट गवा जाते हैं सुमन गिल, जिसके बाद एंट्री होती है गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने फटाफट के अंदाज में 3 चौके और 3 छक्के जड़ते हुए 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 39 रन ठोक दिए और इस मैच में 6 ओवर शेष रहते ही इस मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों, इस मैच का हीरो आप किसको मानते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।